तो आज की बड़ी खबर आपके सामने लगातार प्रस्तुत कर रहे हैं। बिहार के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार को आप देखेंगे, वो अपने सातवीं बार शपथ लेंगे। नीतीश कुमार आज सातवीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। आज शाम 4:30 बजे इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जहां राज्यपाल के मौजूदगी में नीतीश कुमार शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। इस शपथ ग्रहण समारोह में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह मौजूद होंगे, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद होंगे। नीतीश कुमार के साथ ऐसा बताया जा रहा है कि 14 मंत्री शपथ लेने जा रहे हैं। जेडीयू से विजेंद्र यादव और स्पीकर रहे विजय चौधरी को मंत्री बनाया जा सकता है, इसकी बातें तय मानी जा रही हैं। विजय चौधरी के मंत्री बनने से स्पीकर का पद बीजेपी के कोटे में जा सकता है। खबर है कि नंद किशोर यादव को स्पीकर बनाया जा सकता है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। इसके अलावा वीआईपी से मुकेश साहनी, हम से जितन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी को मंत्री बनाया जा सकता है। ये तमाम नाम अभी सामने हैं। हालांकि दो उप मुख्यमंत्री बिहार में बनेंगे, इस बात की लगभग पुष्टि होती दिखाई दे रही है, और ऐसा लगता है जैसे कि उत्तर प्रदेश की तरह ही एक मुख्यमंत्री और दो उप मुख्यमंत्री के तौर पर इस बार काम होगा। लेकिन ये बहुत एक बदली हुई सरकार होगी, जो कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी के स्तर पर अगर देखा जाए तो बिहार में नहीं देखने को मिल रहा था। नीतीश कुमार सरकार बनाने के साथ ही बिहार में बीजेपी की एक नई शुरुआत भी हो रही है। पहली बार ऐसा होगा कि नीतीश कुमार के साथ सुशील मोदी उप मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं होंगे। पहली बार तारकिशोर प्रसाद उप मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। उनसे बात की हमारे संवाददाता नीतीश चंद्र ने। कटिहार से बीजेपी विधायक तारकिशोर प्रसाद डिप्टी सीएम बनने जा रहे हैं, हमारे साथ हैं। सर, बधाई हो आपको। कल करीब 2.5 घंटे तक आप मुख्यमंत्री आवास में थे, बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं के साथ थे, क्या बातचीत हुई? देखिए, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ आगे मंत्रिमंडल का गठन और उसका विस्तार और कई ऐसे मुद्दे थे जो उनके स्तर से तय होना था, उस प्रक्रिया में वो लगे हुए थे। और मुझे बताया गया है कि उप मुख्यमंत्री के दायित्व में मुझे इस मंत्रिपरिषद में रहना है, और शेष हमारे जो नेता हैं वो देख रहे हैं। इसमें आज कितने मंत्री शपथ लेंगे, ये जानकारी आप दे सकते हैं? नहीं, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, क्योंकि हमारे जो NDA के 4 घटक दल हैं उसके सभी बड़े नेता आपस में बात करके उसे स्वरूप प्रदान कर रहे हैं। धीरे धीरे सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, लेकिन मुझे संकेत दिया गया है कि मैं उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ। दूसरे नाम की भी चर्चा थी कल से, रेणु देवी की, क्या वो भी बन रही है डिप्टी सीएम? और भारतीय जनता पार्टी के इस ऐतिहासिक जीत में महिलाओं की बड़ी भूमिका है, और आप तो जानते हैं कि NDA सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण में यशस्वी प्रधानमंत्री जी से लेकर यशस्वी मुख्यमंत्री जी और हमारी पार्टी ने काफ़ी कई कार्यक्रम दिए हैं, और ये बिहार में दिख भी रहा है। तो स्वाभाविक तौर पर जो आधी हिस्सेदारी है, आधी जो आबादी है, उसका प्रतिनिधित्व इस रूप में हो, ये हमारी पार्टी ने, हमारा नेतृत्व ने तय किया है, और रेणु जी उस दायित्व में आएंगे। अच्छा, तो आज शपथ आप लोग ले रहे हैं, तो अब एक बड़ी जिम्मेदारी आपके पास है। नीतीश कुमार के साथ सुशील मोदी का जो रिश्ता रहा है, बहुत करीबी रिश्ता रहा है, आपका कैसा अनुभव रहा है नीतीश जी के साथ, और आप इस जो एक अनुभव है उसका कैसे इस्तेमाल? उनके नेतृत्व में यह खूबी है, जिसके कारण जब हम चुनाव में आए, NDA चुनाव में आई, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व ने उन्हें मुख्यमंत्री घोषित किया, तो उनके नेतृत्व में हम सब काम किए, बिहार में इतना बड़ा बदलाव हुआ, और जो हमारे NDA के कार्यकर्ता हैं उनका सम्मान बढ़े, और हम लोग बेहतर ढंग से मिलकर काम करें, चारों दल मिलकर काम करें, ये सुनिश्चित निश्चित रूप से करेंगे, जो हमारे कार्यकर्ताओं की भावना है। और प्रदेश में हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो सत्तारूढ़ दल के कार्यकर्ता हैं, ये उनको एहसास हो। सुशील मोदी थोड़े नाराज दिख रहे हैं, कह रहे हैं कार्यकर्ता का पद मुझसे कोई छीन नहीं सकता। मैं देखिए, सुशील कुमार मोदी जी से मैंने राजनीति का कहना भी सीखा है, हमारे बड़े नेता हैं, मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, और उनके मार्गदर्शन में हम सबों ने आज काम करके एक सामान्य कार्यकर्ता को आज इतने बड़े दायित्व में देना, आप समझ सकते हैं कि उनकी क्या भूमिका रही होगी, और
मैं नहीं समझता हूँ कि वो नाराज़ होंगे, वो तो ऐसे हमारा नेतृत्व है जो कभी उन्हें जिस दायित्व में दल ने रखा है वहाँ उन्होंने। आपको क्या लग रहा है पार्टी उनको और बड़ी जिम्मेदारी देगी, आपके पास ऐसी कोई खबर? निश्चित रूप से देगी, हमारे बड़े नेता हैं, जिम्मेदारी तो अलग चीज़ है और पद से ना कोई बड़ा होता है ना छोटा होता है। मैं आज उप मुख्यमंत्री के पद पर शपथ ले लूँगा तो मैं कोई बहुत बड़ा नेता नहीं हूँगा, मैं सामान्य कार्यकर्ता रहूँगा और जो मंत्रिपरिषद का दायित्व तो है, जो हमारी सीमाएँ हैं, वो सीमाओं के अंदर हम बेहतर ढंग से सूबे की सेवा करेंगे और काम करेंगे। आखिरी सवाल, सुशील मोदी की जो छवि रही नीतीश कुमार के साथ, जो रिश्ता रहा बहुत करीबी का रहा, तो ऐसा कहा गया कि नीतीश कुमार के बिल्कुल करीब हैं, पार्टी लाइन से कई बार हटकर भी बोलते दिखे, इस छवि से क्या आप बाहर निकलने की कोशिश करेंगे? देखिए अभी तो मैं उस सीमा रेखा के अंदर हूँ ही नहीं, मैं तो अभी शपथ भी नहीं लिया हूँ, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में, उनके मंत्री के रूप में, उप मुख्यमंत्री के रूप में, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ जो बेहतर हो सकता हम सब करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का अपना एक बेहतर वजूद है और वो सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति हमारी पार्टी ने मुख्यमंत्री के रूप में उन पर विश्वास प्रकट किया है, तो कहीं ना कहीं उनके नेतृत्व क्षमता पर किया है। एक जानकारी और आपसे लेना चाहूँगा, विजय चौधरी मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं, इसका मतलब स्पीकर का पद बीजेपी के पास जा रहा है? यह मेरे अभी क्षेत्र में नहीं है, यह बिल्कुल राष्ट्रीय नेतृत्व इस मामले को। चलिए, डिप्टी सीएम बनने की बधाई आपको एक बार फिर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो तारकिशोर प्रसाद डिप्टी सीएम बनने जा रहे हैं, कटिहार से बीजेपी के विधायक हैं, चार बार जीत चुके हैं और जाहिर है जो इनके समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, उनमें खुशी की लहर है। आज शपथ ग्रहण समारोह होगा। कैमरामैन विनोद कुमार के साथ नीतीश चंद्र, इंडिया टीवी, पटना। तो आपने देखा किस तरह से बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव आता हुआ दिखाई दे रहा है। देवेंद्र और अर्चना हमारे दोनों संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। देवेंद्र, जो बिहार में अभी दिखाई दे रहा है उससे क्या यह माने कि भारतीय जनता पार्टी अपने चाल चरित्र और चेहरे को बड़े पैमाने पर बिहार में बदलने की तैयारी में है और अब हम भारतीय जनता पार्टी को एक अलग स्वरूप में बिहार में देखेंगे? कम से कम मैसेज देने की जरूर कोशिश की गई है और बिहार के स्तर पर हो या ना हो, लेकिन पार्टी के स्तर पर जरूर है। बिहार बीजेपी में अभी तक वही होते रहा है जो कि सुशील मोदी एक तरह से कमांड करते थे, चाहे प्रदेश अध्यक्ष कोई भी हो। कम से कम इस मैसेज के सहारे, इस फेरबदल के सहारे बीजेपी ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि वो उससे अलग है। वो कितना इफेक्टिव होगा ये आगे आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन क्योंकि एक दिलचस्पी ये है, जिस तारकिशोर प्रसाद को बनाया गया है डिप्टी सीएम या रेणु देवी, ये दोनों ही सुशील मोदी कैंप के नेता माने जाते हैं। सुशील मोदी ने इनको आगे बढ़ाया है। रेणु देवी के बारे में तो दिलचस्पी ये थी कि इस विधानसभा चुनाव में उनका टिकट काटने के लिए पार्टी के सूत्र ये बता रहे थे कि प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर संजय, जो कि खुद वहां से आते हैं, वो अड़े हुए थे। तो आप अंदाजा लगाइए कि किस प्रकार से रेणु देवी की किस्मत एक तरह से पलटी है कि कहा तो विधानसभा चुनाव में टिकट कटने का खतरा मंडरा रहा था, लेकिन अब वो डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, जो कि कभी जिले की टीम में नहीं रहे, कभी प्रदेश सरकार में मंत्री नहीं रहे, सीधे डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ ले रहे हैं। तो ये सारी चीजें इस तहत की जा रही है कि बीजेपी की कोशिश है कि सुशील मोदी से अलावा उनसे अलग बीजेपी को आगे बढ़ाया जाए। ये कितना इफेक्टिव होगा ये आगे आने वाले दिनों में पता चलेगा। रही बात नीतीश कुमार के साथ कोऑर्डिनेशन की, तो निश्चित तौर पे इन नेताओं के सामने एक बड़ी चुनौती होगी, चाहे शासन के अनुभव के मामले में या लोकप्रियता के मामले में, नीतीश कुमार को किसी तरीके से चैलेंज कर सके। देवेंद्र, कल आप जो बात कर रहे थे स्पीकर को लेके, देखिए आखिरकार वही होने जा रहा है, स्पीकर का जो पद है वो बीजेपी के खाते में जा रहा है, तो ऐसे में क्या चर्चा हुई थी, जरा इनसाइड स्टोरी तो हमें बताइए, कल आपने बताई थी थोड़ी बहुत चीजें। अरे बीजेपी की जैसे ही नंबर आया उसके बाद बीजेपी की ये कोशिश थी कि स्पीकर का पद उसके पास आना चाहिए। हालांकि जेडीयू के जो हमारे सूत्र थे वो ये बता रहे थे कि नीतीश कुमार इस बात को लेकर बहुत ज्यादा सतर्क है कि स्पीकर का पद जेडीयू के पास ही रहे, क्योंकि जो सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि आगे आने वाले दिनों में कुछ विधायकों में तोड़फोड़ का खतरा मंडरा सका है। एक तरफ तो आरजेडी लगी हुई है किसी तरह से फेरबदल कराकर अपनी सरकार बनाने को लेकर, दूसरी तरफ जेडीयू चाहता है कि कांग्रेस के वैसे विधायक जो कि नीतीश के विकास वाले चेहरे के साथ आना चाहे वो आने को तैयार हो, तो उनको शामिल कराया जाए। तो इन सारी परिस्थितियों में स्पीकर की भूमिका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है जब दल बदल होता है, और उस लिहाज से नीतीश कुमार और जेडीयू ये कोशिश थी कि स्पीकर का पद उनके पास रहे, लेकिन बीजेपी उस बात को लेकर अड़ी रही और आखिरकार नीतीश कुमार ने
उस बात को माना है कि बीजेपी कोटे को स्पीकर का पद दे दिया जाए। वहां पर नंदकिशोर यादव माना जा रहा है कि बिहार विधानसभा के अगले अध्यक्ष होंगे। ये सारी कवायद सिर्फ और सिर्फ इस बात को लेकर हो रही है कि आगे आने वाले कुछ महीनों में बिहार में विधायकों में आप दल बदल का खेल देख सकते हैं। जी बिल्कुल अर्चना, हम आपसे इस बात पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार रेणु जी के उप मुख्यमंत्री बनने के बाद क्या ये माने कि जिस तरह से राबड़ी देवी जब मुख्यमंत्री थी रिमोट कंट्रोल से चलती थी, क्या यही स्थिति एक बार फिर रेणु देवी के साथ भी होगी? करेंगे चर्चा एक छोटे से ब्रेक के बाद।